मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 5 सितंबर का दिन है और ये 5 सितंबर का दिन अध्यापक दिवस के रूप में दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में मनाया जाता है। हमारे स्कूल में भी अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिन की शुरुआत प्रभु का नाम लेकर शुरू की जाए तो शुरुआत अच्छी होती है। इसी के साथ जय हो आनंद मुनि जी की। ये 5 सितंबर के उपलक्ष्य में अध्यापक दिवस में जो बच्चे अध्यापक की भूमिका निभाएंगे सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक पक्की नींव पर ही एक सुदृढ़ भवन खड़ा किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी सुदृढ़ भवन खड़ा करने में सहायता करता है और उसे एक सफल इंसान बनाता है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसीलिए उसका सम्मान बहुत ही आवश्यक है। इस प्रचलित दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लादू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इस दोहे में महाकवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हों तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे? गुरु ही आपको गोविंद अर्थात भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात गुरु महान है और आपको सर्वप्रथम गुरु का ही वंदन करना चाहिए। रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने सभी टीचरों के लिए एक बार जोरदार ताले बजाएं। थैंक यू। ये हमारे होनहार अध्यापक छात्र जो कि आज क्लास में शिक्षा का प्रदर्शन करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हमारे स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाएं ये प्रिंसिपल सर की पद पर हमारे पीटीआई छात्र अपना काम करते हुए आज का बहुत अच्छी तरह निभाते हुए सभी विषयों के दो दो छात्र अध्यापक तैयार किए गए हैं। वो आज पूरी कक्षा को मॉनिटरिंग और अध्यापक का कार्य करेंगे। Thank you.
वेरी गुड। सभी छात्र अध्यापक बहुत अच्छी तरह अपना काम करते हुए और बच्चों को मैथ का पीरियड है ये और पर्सन हल करवाते हुए बच्चों में बहुत ही अच्छा उत्साह। आठवीं क्लास इंग्लिश के अध्यापक छात्र अध्यापक हैप्पी टीचर्स डे की पॉलिटिकल साइंस के वाइस प्रिंसिपल सर आज के वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्य करते हुए बच्चे और पीटीआई सर आज के हमारे प्रधानाचार्य महोदय जो अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं बच्चे निरीक्षण करते हुए ये पीटीआई हमारे स्कूल के आज का कार्य बाहर करते हुए सुलेखचंद सर। ठीक है ठीक चल रहा है स्कूल बिल्कुल मस्त चल रहा है। दो एक मिनट से फोटो करवा लेते हैं। सिट डाउन बेटा। तोमर सर छात्र अध्यापकों का मार्गदर्शन करते हुए किस चीज का बेटा बेटा संस्कृत पढ़ने में अच्छा लग रहा है बुक्स निकालो बेटे अच्छे श्लोक बताओ तो जीवन में डेली यूज करते हो ठीक है ना और ब्लैक बोर्ड का यूज करिए है ना अच्छे से बताइए शाबाश। एक बच्चा है ना कौन बच्चा है नीचे उसमें जा एक नंबर में बाथरूम का लो बाथरूम से एक चौका डिब्बा मेरा नजर आ गया एक चौका डिब्बा लेकर के ऊपर 210 में रख ठीक है बेटा। ओके बेटा। लाइब्रेरी में पढ़ते हुए पूनम मैडम की भूमिका सबसे बढ़िया मिला बच्चे प्रॉपर काम करते हुए और सब बच्चों के पास क्लास से लाइब्रेरी के लिए काम कर रहे हैं। लाइब्रेरी आपको बुक्स मिली हुई है सभी बच्चे को मैम जी बुक्स लेके अपनी स्टडी कर रहे लाइब्रेरी में सभी बच्चे अपना काम करते हुए बुक्स दे रखी हैं बच्चों को बच्चे अपनी कहानी किताबें पढ़ रहे हैं। और ये पूनम मैडम की भूमिका निभाते हुए छात्र अध्यापक क्या नाम बेटा रुद्र कैसा लगा आपको अच्छा लग रहा है ठीक है कौन सी क्लास है रुद्र एट सी है बच्चे ठीक है मान रहे हैं बात आपकी है? मान रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग छात्र अध्यापक किस चीज का पीरियड बेटा बैठो बैठो सी डाउन स्टाफ रूम आइए ये स्टाफ रूम है सभी छात्र अध्यापक फ्री पीरियड है भैया आप लोगों का फ्री पीरियड है आज
सभी अब छात्र अध्यापक बैठ जाएंगे आराम से। क्या सब्जेक्ट चल रहा है बेटे? हिंदी। हिंदी का पीरियड है? कौन सी क्लास ही है? निकालो बेटे। जब आप इनकी बात नहीं मानोगे तो कल को आपको टीचर बनाएंगे, आपकी बात कोई नहीं मानेगा, फिर कैसा लगेगा आपको? पढ़ाओ बेटा। ब्लैक बोर्ड भी कराई है, ब्लैक बोर्ड पे काम किया हुआ है छात्र अध्यापकों ने। किसी का पीरियड है बेटा? पॉलिटिकल साइंस। और किसके उसमें काम कर रहे हैं आप? पॉलिटिकल साइंस। प्रवीण बजाड़ के उसमें हो या दया सर? दया सर के उसमें। हाँ, टीचर डे पर बच्चों का द्वारा पढ़ाया गया। वेरी गुड। बच्चे पढ़ रहे हैं भाई। कौन सी क्लास है बेटा? किसी का पीरियड चल रहा है? हिंदी का। क्या नाम बेटा? तनुज। तनुज। तनुज और अक्षय सुलेखचंद सर के स्थान पर टीचर बने हैं आज बच्चे। अनुज और अक्षय बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है बेटे। ब्लैक बोर्ड यूज दिख रहा बेटा? आप इनसे डिस्कस करिए, पूछिए, सुनिए, मतलब पूछ रहे। जी जी। और पूरी क्लास को इन्वॉल्व करिए, कोऑपरेट करो बेटा। बैठ जाओ। सीखने के लिए कोई वो नहीं चाहिए, बच्चा टीचर से कई बार बहुत अच्छा पढ़ाता है, आप में से ही आया तो कोऑपरेट करिए। वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड। साइंस का पीरियड है बेटा? क्या पढ़ा रहे बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे। ठीक समझ में आ रहा है? ठीक से। क्या नाम बेटा आपका? विकास। विकास शर्मा। दूसरा क्या नाम? दूसरा अंकित राणा। अंकित राज। अंकित राज। अश्वनी। अश्वनी बहुत बढ़िया। ब्लैक बोर्ड का भी यूज करते हुए साइंस का पीरियड, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक बहुत अच्छा कंट्रोल है। अच्छा लगा पढ़ते हुए। जब बड़े हो जाओगे तब तुम भी पढ़ाओगे एक दिन टीचर, ठीक है बेटा? ये देख सारे यहाँ के, ये ड्राइंग का पीरियड चल रहा है। कर रहे हो ड्राइंग? कर रहे हो?
पेंटिंग कर रहे हो? कहाँ कर रहे हो? दिखाओ ड्राइंग। लंच कर रहे हो? अच्छा मिड डे मील मिला है। बात करते ना, मिड डे मील डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ठीक है। अरे वाह, क्या नाम है? राकेश। और तुम्हारे आज के सर हैं गोल्डी सर। चलो ठीक है, मिड डे मील मिल गया सभी को। बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं बच्चे। और ये प्रधानाचार्य के पद पर स्कूल का निरीक्षण करते हुए, ठीक चल रहा है स्कूल? चलो ठीक है, गुड लक बेटा, गुड लक। इंग्लिश पढ़ाया था किस मैडम के लिए? ये ड्राइंग के पीरियड में कौन सी क्लास है बेटे? बच्चे ड्राइंग का काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है बेटे ड्राइंग? गोल्डी सर से पढ़ते हुए हैं? अक्षित सर भी हैं। गोल्डी बात मान रहे बच्चे हैं? ठीक है बेटा, वेरी गुड। बच्चों को क्या है ये? पशु चित्रण।